देखने वाले हैं सैमसंग इनडोर डीसी फैन मोटर बीएसपी सेक्शन। बीएसपी सेक्शन देखेंगे आज हम। यहां पर देखने वाले हैं कि सैमसंग इन्वर्टर मॉडल नॉर्मल मॉडल दोनों में किस प्रकार से इसमें देखेंगे। जैसे हमने रिमोट से स्टार्ट किया 15 वोल्टेज आएगा, देखा जाए तो एसएमपीएस से आता है लेकिन रिमोट से स्टार्ट करने के बाद यहां पर 15 वोल्टेज आएगा। रिमोट से हमने स्टार्ट कर दिया तो यहां पर 0 to 5 वोल्टेज होना चाहिए। कितना वोल्टेज होना चाहिए? 0 to 5 वोल्टेज। ओके, पर वोल्टेज आएगा 0 to 5 वोल्टेज। और देखो ये जो रजिस्टेंस यहां पर दिख रहा है आपको, ये रजिस्टेंस किस लिए लगा है? पुल डाउन रजिस्टेंस, ताकि यहां पर जो 0 to 5 वोल्टेज आएगा ये ज्यादा वोल्टेज ना हो जाए, ज्यादा वोल्टेज ना बने यहां पर, इसलिए लगा है ये, ताकि इसमें ज्यादा वोल्टेज ना हो। ठीक है, ये क्या करने के लिए लगा है? ड्राप कराने के लिए, कि इधर आप वोल्टेज मत आओ। और यही 15 वोल्टेज देखो ये कहां पर है, तो कपलर के 4 नंबर पिन में है और 3 नंबर से आउट होगा और कहां चला जाएगा? बीएसपी में। E04 के 4 नंबर पिन में, 4 नंबर पिन में क्या है? 15 वोल्टेज है। देखो ये आ रहा है 15 वोल्टेज और यहाँ एक रजिस्टर लग के आया है ताकि ये ज्यादा धक्का ना दे। यहाँ पर भी इसका क्या बनेगा? डिवाइडर बनेगा, ये इधर से डिवाइडर यहाँ पर ही बनेगा। हाँ, 15 वोल्टेज पहले से है। रिमोट से स्टार्ट करेंगे, एलईडी ऑन होगा। एलईडी कैसे ऑन होगा? देखो यहाँ पर +12 वोल्टेज है एलईडी के 1 नंबर पिन में। कितना है? 12 वोल्टेज, 12 वोल्टेज है। अब यहां पर माइनस चाहिए तो माइनस कहां से आएगा? देखो एमसीयू से 56 नंबर, मतलब 56 नंबर से आउट होगा 0 to 5 वोल्टेज, प्लस आउट होगा। तो यहां पर जितना ज्यादा प्लस आते जाएगा धीरे धीरे, तो ये माइनस बनाते जाएगा। यूएआईसी नंबर 08, ठीक है, यूएलएन 2003 लगा सकते हो यहां पर। और यहां पर जैसे ही 7 नंबर पिन में आईसी का 7 नंबर पिन में प्लस बढ़ती हुए जाएगा, तो यहां पर ग्राउंड बढ़ती हुए जाएगा। और यहां रजिस्टेंस लगा है 102 किलो का, रजिस्टेंस नंबर लोकेशन नंबर है इसका R706। यहां से ये जाते हुए यहां पर जाएगा अब PC04 में ऑटो कपलर में, तो एलईडी यहां पर ग्लो करना शुरू करेगा। जितना ज्यादा ग्लो करेगा उतना वोल्टेज को ये यहां से भेजेगा, इसको बीएसपी को। ठीक है, बीएसपी मतलब होता है वोल्टेज स्पीड पल्स, या इसको आप बोल सकते हो यहां पर 0 से 5 वोल्टेज आएगा तो ही मोटर चलेगा। यहां पर 5 वोल्टेज आएगा तो ही मोटर चलेगा। ठीक है, तो यहां पर स्पीड वोल्टेज बोलो इसको, स्पीड वोल्टेज। ठीक है, यहां पर जो स्पीड चलाना है, जितना स्पीड चलाना है उतना वोल्टेज आता है। कितना ज्यादा से ज्यादा कितना वोल्टेज? 0 to 5 वोल्टेज, ज्यादा से ज्यादा 0 to 5, 5 वोल्टेज से नहीं। अब एकदम से आप 5 वोल्टेज नहीं दे सकते, 5 वोल्टेज दोगे तो तेजी से साथ चलेगा, तो इसलिए इसको हौले हौले सप्लाई जाता है। कैसे जाता है? यहां पर 56 नंबर पिन से स्लो मोशन में क्या निकलेगा? नंबर वोल्टेज। जितना धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ते जाएगा यहां पर ग्राउंड इसको बढ़ती हुए जाएगा और ये एलईडी जलना शुरू करेगा, ग्लो करेगा। धीरे धीरे इसका तेज बढ़ते जाएगा तो ये जो है यहां से प्लस को भेजेगा। क्या करेगा? प्लस को भेजेगा। यही 15 नंबर का जो 15 वोल्टेज है ना यहाँ पर, ऐसे इस तरीके से भेजेगा। तो इसका क्या काम है? इस आईसी देखे है ना, छोटा सा आईसी 4 पिन का रहता है उसमें, अभी दिखाएगा। इसका क्या काम है? ये भी यहां पर ज्यादा वोल्टेज ना आ जाए। क्या ना आ जाए? ज्यादा वोल्टेज में चला जाए बीएसपी में, तो उसको रोकने के लिए लगा हुआ है ये चिप जो लगा है। ठीक है, बहुत लोग इस चिप को ढूंढ रहे हैं क्या करने के लिए, ताकि हम इसको लगाएं और मोटर चालू हो जाए। ओके, मोटर लगाओ और मोटर चालू हो जाओ। देखो यहाँ अगर ये सामान यहाँ पर नहीं भी लगा होगा ना, ये दिख रहा है ऐसा, अब इसको हमने काट दिया, निकाल दिया बाहर, बाहर निकाल दिए। अब ये नहीं भी लगा होगा ना, तो ये वाला जो रजिस्टेंस है इसके ऊपर भार आ जाएगा, ये कंट्रोल तो कर ही रहा है। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक पीसीबी आया है, उसमें देखते हैं, चलो चेक करते हैं।
चलो निकालो इसको। रंगा डालो उसमें। और नीचे पकड़ के खींच देना। चलो मैं एक साथ डालना, धीरे 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 खींचो। नीचे भी नीचे भी। दिखा फ्रेंड, इसको हमने बाहर निकाल दिया है। अब पीसीबी को चालू करके देखते हैं मोटर चलेगा कि नहीं। ठीक है, पीसीबी को चालू करके देखते हैं मोटर चल रही कि नहीं। चलो चालू करो। हमने मोटर में आउटडोर का मोटर लगाए हैं, डिस्प्ले चालू हो गया है। देखो मोटर चालू हो गया। ठीक है, इंडोर का मोटर नहीं है, आउटडोर का लगाए हम लोग। कोई बात नहीं, चेक करने के लिए लगा है। ओके सही है। चलो ठीक है, हो गया।